दोस्तों अब केवल 3 दिनों के अंदर ही आपके पीएफ का पैसा आसानी से निकल जाएगा। आपके पास बेहद आसान तरीका है, आप आधार नंबर की मदद से आसानी से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने पीएफ निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए इसे आधार कार्ड से जोड़ दिया है, यानी अगर आपका पीएफ खाता आधार नंबर से लिंक है तो आप आसानी से 3 दिनों के अंदर अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे जरूरी है केवाईसी। ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए आपके पास यूएनए नंबर होना चाहिए। यूएनए नंबर ईपीएफओ की ओर से जारी किया जाता है। वहीं आपका मोबाइल नंबर आपके यूएनए नंबर से लिंक होना चाहिए। आपकी आधार डिटेल आपके यूएनए नंबर और पीएफ खाते से लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही आपके बैंक डिटेल और पैन कार्ड डिटेल यूएनए के साथ जुड़ी होनी चाहिए। दोस्तों ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए आपको ई सेवा पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट www.unifiedportal.epfindia.gov.in पर जाके मेंबर इंटरफेस में अप्लाई करना होगा। यहां पर लॉगिन करने के बाद आपको आधार बेस्ड ऑनलाइन क्लेम सबमिट टैब पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको अपनी केवाईसी डिटेल को वेरीफाई करना होगा। दोस्तों आवश्यक जानकारी भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 1 टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को आपको अपने फॉर्म में सबमिट करना होगा, जिसके बाद आपका पीएफ विड्रॉल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में आपका पीएफ फंड ट्रांसफर हो जाएगा। ये पीएफ फॉर्म कैसे सबमिट करना है इसके लिए आप मेरी पहले बनाई हुई पीएफ विड्रॉल वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ईपीएफओ की तरफ से आम पब्लिक के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।